हमारे यहाँ यज्ञ की विशेष महिमा है और यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ कलयुग में जिनका नाम था महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना और उनके महाराज और बड़े महापुरुष श्रद्धानंद। और श्रद्धानंद जी महाराज मथुरा में सारा जीवन काल आपका गुजरा। ऐसे जो दयानंद जी हुए जिन्होंने यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया। और आपको एक बात बताएं, वैदिक कर्म का नाम ही यज्ञ है। क्या है? जो वेद को मानने वाले हैं वह यज्ञ की महिमा समझते हैं, पर जो महाराज वेद को न पढ़े हैं, न सुने हैं, न देखे हैं, न समझे हैं, वो यज्ञ नहीं जानते। यज्ञ से ही हमारा घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर से हमारा गांव घर पवित्र होता है और यज्ञ के करने से ही हमारी जो ऑक्सीजन जो आज आप ले रहे हैं ये शुद्ध होती है। अब ये खराब होती जा रही है, क्यों हो रही है कि अब यज्ञ नहीं हो रहे हैं। अब तो हर घर में महाराज IGL चल रहा है, IPL चल रहा है, चल रहा है BPL चल रहा है, HPL चल रहा है, इंडियन चल रहा है, इसीलिए अब घर का वातावरण खराब हो गया है। इसको शुद्ध करने के लिए हम सबको रोजाना हवन यज्ञ में 5 आहुति जरूर देनी चाहिए। बोलिए कि भगवान की, बोलो देनी चाहिए। ऐसे हम कलियुग के महर्षि दयानंद को व्यासपीठ प्रणाम करती है। और व्यासपीठ तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन सब का आदर करती है, सम्मान करती है। जैसा अभी हमारे विधायक साहब ने कहा कि चौधरी चरण सिंह फिर देवी लाल, ये भी हमारे भारत के सपूतों में हैं, ये भी लाल हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए काम जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया, और देवी लाल ने जो हरियाणा में काम किया वह भी कोई नहीं कर पाया। और हरियाणा के तो 3 ही लाल थे, देवी लाल, बंसी लाल और भजन लाल। इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समय पर काम किया। और एक बात बतावें, जैसा भी सोलंकी साहब कह रहे थे अच्छा काम करते रहो सब अच्छा ही होगा, और हमें अच्छा ही करते रहना चाहिए। हमें किसी की अवहेलना आलोचना बुराई करके कुछ नहीं मिलता है, समझे ना। हम अपने अपने चर्चाओं पर क्यों कर रहे हैं कि आप सब हमारा परिवार है, आप भी उसी समाज के हो, हम भी उसी समाज के हैं। हम कभी भी ऐसा भाव बनाएं किसी को ना बुरा देखे, ना बुरा बोले, ना बुरा करें, ना बुरा संग करें। अच्छे लोगों के संग किया तो आप बताओ, 4 बार हमारे सोलंकी साहब विधायक रहे, यह भी बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल होता है, माने 20 साल इन्होंने विधायक की शायद इसी क्षेत्र में की है। और आपकी सेवा की होगी, आपका आशीर्वाद रहा होगा तभी इतने काल रहे। और मुझे लग रहा है आपके द्वारा ही इस मंदिर को आगे बढ़ाया गया है। जोरदार धर्मदेव सोलंकी जी के लिए अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहो, जब तक जीवन रहे यू ही आप सेवा करते रहो, हमारी शुभकामना। बंद हो कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए, ऐसे करने कर चले हम हंसे जग रोए।